हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तिल गुड़ के लड्डू, जो कि मकर संक्रांति पे बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं और इसे शुभ भी माना जाता है। तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम गुड़ लिया है, जिसे मैंने अच्छे से तोड़ दिया है, और 200 ग्राम मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। अगर आप चाहें तो काले तिल भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। ये तिल को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी लिया है। अब फ्रेंड्स, हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और पैन को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसमें ये तेल डाल के मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक उसे हम फ्राई करेंगे इसे चलाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे तेल थोड़े थोड़े छटकने लग गए हैं, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस खाली थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देना है। मैंने जैसे बोला कि 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम तक आप चलाते हुए इसे भून लीजिए। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। ये मैंने इसे एक थाली में निकाल दिया है और इसे हम थोड़ा सा इसे फैला देंगे और गैस पे वापस हम वही पैन रखेंगे और उसमें हम ये घी डाल देंगे। घी को हम मेल्ट होने देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और अब हम इसमें गुड़ ऐड, अब इसे हम लो फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट होने तक अच्छे से इसकी चाशनी बनाएंगे। गुड़ फ्रेंड्स तोड़ के डालेंगे तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, आपका समय भी बच जाएगा और चाशनी भी अच्छी बनेगी। तो लो फ्लेम पे हमें इसे एकदम मेल्ट होने देना है। ये फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड किया है, ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना है और इसे अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर इसे चार दाना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है कि आप अगर गुड़ लेंगे तो देसी गुड़ लीजिए, जो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। ये देखिए हमारी चाशनी बन गई है। अगर आपको ऐसे पता ना चले तो एक बाउल में आप पानी लीजिए और उसमें 1-2 ड्रॉप डाल के देखिए। ये फ्रेंड्स, मैंने बाउल में पानी लिया है, अब इसमें से थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे। ये देखिए इसे फैल रही है, इसका मतलब हमारी चाशनी अभी तक बनी नहीं है। इसे थोड़ा सा हम और पकने देंगे, इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे 1-2 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जम रही है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बन के तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हम ये तिल ऐड कर देंगे। अब तिल को ऐड करके फटाफट हमें चलाना है, रुकना नहीं है हमें, क्यों ये जल्दी से चाशनी कड़क हो जाएगी, गुड़ है इसलिए जल्दी से इसे हमें स्पीड से चलाते हुए इसे मिक्स कर देना है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है हमें, थोड़े गर्म गर्म ही हमें लड्डू बांधने हैं इसके। अब फ्रेंड्स, हम हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा के यहाँ से थोड़ा सा हम लेके अब हम लड्डू बनाएंगे। ये फ्रेंड्स गर्म रहता है, ज़रा ध्यान रखिए, थोड़ा ठंडा होने देना है। थोड़ा सा हमें लेके हाथ से ऐसे हल्के हाथों से हमें लड्डू बांधना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको जैसे लड्डू पसंद है वैसे बांध सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी, लेकिन ज़्यादा इसे बिल्कुल ठंडा चाहे एकदम नहीं करना है। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे आप लड्डू बना सकते हैं। थोड़ा सा और पानी अपने हाथों पे ले लीजिए क्योंकि ये गर्म है, इसके लिए उसे लेके आप ऐसे छोटे छोटे लड्डू बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तिल गुड़ के लड्डू बन के तैयार हैं। मैंने छोटे छोटे बनाए हैं कि छोटे बच्चे आराम आसान से खा सके। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन दबाना मत भूले। और मिलते हैं हमारे दूसरे नए वीडियो में। थैंक यू।